वरुण गांधी ने किया मानहानि का केस, राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत। एक तरफ मोदी सर ने मामले पर राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली और पटना हाईकोर्ट ने मामले का स्टे बरकरार रखा, तो इसी बीच दूसरी खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि भाजपा नेता वरुण गांधी ने ट्विटर पर अपने पिता के खिलाफ कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर वाराणसी के एक व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। बताते चले कि वरुण गांधी 3 अधिवक्ताओं के साथ अदालत परिसर में आए और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव तिवारी के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया। एक वकील ने बताया कि अदालत ने वरुण गांधी का बयान दर्ज किया। साथ में शिकायत में वरुण गांधी ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय संजय गांधी देश के जाने माने राजनेता थे और पूरे देश में उनका सम्मान आज भी है। वरुण गांधी ने कोर्ट में बताया कि वाराणसी जिले के भोजूवीर निवासी विवेक पांडे ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए संजय गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। गांधी के अनुसार आरोपी ने खुद को राष्ट्रवादी हिंदू और किसान मोर्चा के महासचिव के रूप में पहचान बताई। गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें बिसलपुर क्षेत्र के बलसंडा की यात्रा के दौरान आम जनता द्वारा इस ट्वीट के बारे में सूचित किया गया, जिसके बाद उन्होंने इस व्यक्ति पर मानहानि का केस दायर कर दिया है। बता दें कि वरुण गांधी अक्सर केंद्र सरकार की तमाम रणनीतियों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि वरुण गांधी बेबाक अंदाज में केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते नजर आते हैं, तो वहीं अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हुए भी देखे जाते हैं। इसी बीच वरुण गांधी की ये खबर विगत दिनों पहले की बताई जा रही है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइए।